बिजनेस में सेल क्यों फेल होता है, सेल्स करते वक्त लोग क्यों फेल हो जाते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेल्स में क्यों फेल हो जाते हैं, सेल्स ये बिजनेस का बैकबोन है, टर्नओवर बढ़ता है, आदमी को डोपामाइन जनरेट होता है, खुशी मिलती है, लेकिन उसी सेल्स को करते वक्त कई लोग फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, ऐसा टीम को वो सिग्नल दे देते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, आपको जानने को मिलेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपको सही में काम का है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले सेल्स करना है तो आपका पोटेंशियल बायर कहाँ है, जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, जिसको उसकी जरूरत है और जो पैसा पे कर सकता है, टारगेट ऑडियंस कहाँ है, ये समझ लीजिए। सेल्स करने के पहले प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको अगर शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, मैरिज के लिए लड़की ढूंढनी है, तो आप रेव पार्टी में, पब डिस्को में जाके मैरिज गर्ल नहीं ढूंढते हो, लड़की नहीं ढूंढते हो, ऐसा आप करते हैं तो समझ लीजिएगा आप ट्रबल ढूंढ रहे हो। सेम वे जिसको कस्टमर नहीं बनना है, जबरदस्ती उसको कस्टमर बना दिया, तो आपने कस्टमर नहीं ढूंढा, आपने ट्रबल ढूंढा है। कस्टमर ये नहीं जानता है और चाहता है, और इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना जानते हैं, आपको कितना पता है, आप साइंटिस्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है। कस्टमर केवल इस बात का ध्यान रखता है कि आप उसका केयर कितना करते हैं, आप उसका ध्यान कितना रखते हैं। दोस्तों हम लोग जब लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं और कस्टमर को लगता है कि आई एम सोल्ड, मैं बिक गया हूं, तो वो पसंद नहीं करता है। आपको कस्टमर को हेल्प करनी है, कस्टमर लाइक टू बी हेल्प। अगर उसको कोई मदद कर रहा है, उसकी कोई हेल्प कर रहा है, वैल्यू जनरेट हो रही है, तो खुश हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन जब उसको लगता है कि मैं बिक गया, तो उसको वहां से ही आपका स्कैम, वहां से आपका स्कीमिंग शुरू हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। ये पहला रीजन है प्रोबेबली कि लोग हेल्प नहीं करते, प्रोडक्ट बेचने के लिए बाहर जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरा रीजन है, कस्टमर को हम लोग समझते ही नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड कस्टमर्स, वी डोंट अंडरस्टैंड हिज नीड, वी डोंट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। हम लोग रादर सुनते ही नहीं उसके सिग्नल्स को। कस्टमर हमें सिग्नल देता है और हम इग्नोर करते रहते हैं। नहीं, मैं जो बोला ना, मुझे जो पता है ना, मेरे प्रोडक्ट में कुछ कमी हो ही नहीं सकती है, बहुत ही अच्छा है। कई ऐसे मेंटल बिलीफ, ईगो, प्राइड हम अपने प्रोडक्ट को लेकर के चलते हैं, और उसमें कोई सुधार, इनोवेशन नहीं करते हैं, उसको बेटरमेंट की तरफ नहीं लेके जाते हैं। तो कस्टमर को ध्यान से अगर आप डिग करते हो, इफ यू डिग हिम, लाइक इफ यू डिग डीप इनफ, तो आपको कस्टमर्स के सिग्नल मिलेंगे और कस्टमर को आप हेल्प भी कर पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तीसरा रीजन है कस्टमर्स का कि आपका डिसीजन मेकर आप ढूंढ लीजिए, कि जिसको डिसीजन लेना आता है, जो उस कंपनी का, उस परिवार का डिसीजन मेकर है। अगर डिसीजन मेकर तक आप पहुंच पाए, तो आप आपका प्रोडक्ट उसको बेच सकते हैं, आपका प्रोडक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बढ़िया था गुरु। चौथा रीजन है, आपका सेल प्रोबेबली फेल हो जाता है, लोगों के बजट ब्रैकेट को आप नहीं समझते। आपको केवल ये जानना है कि मेरा प्रोडक्ट है और तुम खरीद लो, मतलब एक डॉक्टर जैसा। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया ना, तो आपको ऑपरेशन करना ही है, आप कहीं से भी पैसा लेके आओ, लेकिन वहां तक जो वो पेन जनरेट हो पाता है, उसकी वजह से वो आदमी कुछ अपना गिरवी रख के उस हॉस्पिटल के बिल भरता है। ये आपके प्रोडक्ट में नहीं होगा जब तक के वैल्यू और पेन पे काम नहीं होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा उसका बजट ब्रैकेट समझ लीजिए, उसका पास कितना कैपेसिटी है, उसके पास कितनी उसकी एबिलिटी है पे करने की, और इसी वजह से वो आपको पैसा दे पाएगा जितना उसका पास है। तो चार चीजें हैं जिसकी वजह से आपका सेल फेल हो जाता है, जिसमें आप फेल हो जाते हो, बिजनेस फेल हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।